राजवीरा थाना क्षेत्र की घटना है। तकरीबन 20-25 दिन पहले सुनिए मकान में आरोपियों द्वारा जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और राजवीरा TI और उनकी टीम को जो है ना सक्रिय किया गया, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली गई थी कि जो चोरी का माल है इसे बेचने की फिराक में आरोपी जो है वो सुनकर धर्मशाला के पास घूम रहे हैं और इसी सूचना पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर इनके कब्जे से चोरी गई LED TV, मिक्सर ग्राइंडर और कुछ बर्तन जो है वो बरामद हुए हैं। इसमें 2 महिला 2 पुरुष शामिल हैं, जिसमें एक ऑटो चालक भी शामिल है। जो इनकी मोटर सॉपरेंडी थी, ये पन्नी बिनने का काम करती हैं महिलाएं, दिन में रैकी करती थी और रात में जो है वो चोरी की घटना को अंजाम देती थी। सर पूछताछ में क्या सामने आया चोरी? पूछताछ में इनके द्वारा जो है वो चूँकि लॉकडाउन के बाद से ही मकान छूना था और अक्सर देखने में आ रहा है कि जो मकान खाली मकान है, सूने मकान है, लॉकडाउन के बाद लोग वापस नहीं लौटे हैं, ये रैकी करते हैं और रैकी करने के पश्चात जो है वो चोरी की घटना को अंजाम देते हैं।